और हमारे YouTube चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th के थर्ड पेपर जो होने वाला है मैथ्स का, उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव IMP ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले बना दिया ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले भी बोला है मैं आपको टोटल टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड यूनिट में, सॉरी, थर्ड पेपर मैथ्स का होने वाला है, गणित का, जिसमें IMP ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है फर्स्ट से। उसमें फर्स्ट यूनिट से लगाकर 5 यूनिट तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स दिए गए थे दोस्तों। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन आगे की प्रोसेस देखते हैं, कितने यूनिट तक अपन पहुंच पाते हैं। ठीक है, आइए देखते अपन, तो शुरुआत करते अपन यूनिट 6 से। ठीक है, यूनिट 6 से क्या पूछा जाता है, यूनिट 6 क्या आप डिस्कस करते हैं यूनिट 6 के ऊपर। यहां से भी मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है एग्जाम दृष्टि से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको, इस चैप्टर का नाम है समरूप। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज समरूप कब होता है। तो दो कंडीशन लागू होना चाहिए किसी भी त्रिभुज की समरूपता के लिए। कितनी कंडीशन लागू होना चाहिए, तो दो कंडीशन। तो यहां से दो कंडीशन जो होती है उनको आप कंप्लीट करें कि समरूप त्रिभुजों के लिए, त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध या आवश्यक शर्त क्या है। तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए तथा भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। ये दोनों नियम लागू होना चाहिए। क्या? उनके संगत कोण, उन त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? अनुपातिक होना चाहिए। पहली कंडीशन तो आपको ये पता होना चाहिए यूनिट 1 से, सॉरी यूनिट 2 से। सेकंड टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यहां से आपको 3 लंबाइयां दे देगा और बोलेगा कि ये समकोण त्रिभुज की माप है या नहीं है। तो वो कंडीशन, समकोण त्रिभुज की कंडीशन को प्रूव करना चाहिए, समकोण त्रिभुज की शर्त को फॉलो करने वाले क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज, जैसे कि मैंने लिख दिया, एक क्वेश्चन लिखा, सिक्स, 10 और 8, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाले 100 एंड इससे छोटी भुजा 37, इनका ऐड करें 68 64, और इनको जोड़ने पर अगर जो पहले वाली बड़ी भुजा है अगर ये इक्वल आ जाता है तो समकोण त्रिभुज की भुजा है, अदरवाइज नहीं है। तो ये इस प्रकार के कंडीशंस के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस यूनिट से, ऑब्जेक्टिव से। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है यहाँ से उसको देखते हैं अपन। तो इसमें से क्या पूछा जा सकता है, अगली चीज, सभी वृत्त, मैंने पहले भी बताया था पॉइंट, सभी वृत्त कैसे होते हैं? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, दूसरा, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, यह भी पता होना चाहिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं। कंडीशन बता रहा हूं, तो वहां ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सभी वृत्त डैश 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 होते हैं, कैसे होते हैं? समरूप। सभी वर्ग डैश 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 होते हैं, समरूप। अब कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? त्रिभुज भी समरूप होते हैं, परंतु कौन से त्रिभुज? तो सर्वांग सम त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? सर्वांग सम त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं अपन। समबाहु त्रिभुज या सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज नहीं होते हैं, जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, समबाहु होते हैं, वे त्रिभुज क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा सर्वांग, अब यहां से पूछा जाता है सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो कैसे होते हैं? समरूप। सभी वर्ग होते हैं, समरूप। सभी वृत्त होते हैं, समरूप। अब आपसे अगर समरूप दिख जाए तो ठीक है, समरूप दिख जाए तो सर्वांग सम लिख देना है, और अगर अदरवाइज समरूप नहीं दिखता है तो आप क्या लिखे वहां आंसर में? आपका समरूप ही होगा, बात खत्म, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पाइथागोरस सॉरी समकोण त्रिभुज के बारे में, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है?
कर्ण होती है। अब वहाँ आपका सत्य सत्य में पूछ लिया जाता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो सत्य है, अगर मैं बोल दूँ लंब होती है तो असत्य, मैं बोल दूँ आधार होती है तो भी असत्य, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। तो इस बेस पर आप क्लियर करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डिस्कस किया अपनों ने यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 से अगर इतनी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव आपके कवर हो जाएंगे, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक चीज़ और यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है, एक चीज और पूछी जाती है, उसको ध्यान से देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए, क्या दिया जाए, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए, जैसे कि अनुपात दिया हुआ आपको 9:16, 9:16 दिया हुआ है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। क्षेत्रफल बड़ा होता है, भुजाएं छोटी होती है। कंटेंट को आप याद रखें, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्षेत्रफल बड़ा होता है, भुजाएं छोटी होती है, तो जब क्षेत्रफल की बात आती है तो जैसे कि यहां आपको क्षेत्रफल दिया हुआ क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात क्या करना है, भुजाएं, तो भुजाएं छोटी है तो इनको कन्वर्जेशन रूप में वर्गमूल रूप में लिख दें, 9 का क्या होता है 3, 16 का क्या होता है 4, ठीक है। इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन चेंज किया कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:81 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भुजाएं क्या लिखेंगे अपन, भुजाएं लिखेंगे 25 किसका होता है 5 का, अनुपात 81 किसका होता है 9 का, मतलब क्षेत्रफल आपका बड़ा होता है, भुजाएं छोटी होती है, तो यहां आपने छोटे रूप में कन्वर्जेशन कर दिया। अब अगर आपसे बोला जाए कि दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ क्या है, भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो आपका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात किसका ज्ञात करना, क्षेत्रफल का, तो इनका वर्ग करके लिख दे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 9 का वर्ग 81। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव भी आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये डिस्कस किया अपनों ने समरूपता या त्रिभुज चैप्टर से यूनिट 6 वाले से। आइए अपन डिस्कस करते हैं यूनिट 7 से क्या एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए बढ़ते अपन आगे यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 से क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, यहां से कंटेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको मूल बिंदु के निर्देशांक पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, पहली चीज तो यह पता होना चाहिए। फिर दूसरा, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है x² + y² ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कंडीशन पूछी जाती है यहां से, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको दो बिंदु दे दिए, जैसे कि दो बिंदु दे दिए, a के निर्देशांक दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए आपको x1 and y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दे दिए x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका सूत्र होगा √x2 - x1² + y2 - y1² और आपसे ऑब्जेक्टिव में दूरी ही पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो या तो मूल बिंदु के निर्देशांक या फिर आपकी दूरी सूत्र या फिर आपसे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है x1 + x2 / 2 and y1 + y2 / 2, ठीक है, यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे और पूछा जाता है अंत विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र, तो आपसे यह कंडीशन पूछी जाती है तो इनके सूत्र पता होना चाहिए, अंत और बाह्य विभाजन, अंत और बाह्य विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जिसे बोला जाता है, विभाजन सूत्र, तो इसको याद रखेंगे अपन,
इसको याद रखेंगे, प्लस माइनस कर लें, ठीक है। इसी प्रकार यह वाई बन जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपके फॉर्मूले बताए मैंने टोटल। और एक कंडीशन और बोली जाती है, यदि आपको एक अक्ष से दूरी पूछा जाए कि मूल बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु की एक अक्ष से दूरी होगी वाई के निर्देशांक, और इसी प्रकार मूल बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी, अगर x पूछा जाए तो y के निर्देशांक, y पूछा जाए तो x के निर्देशांक। इतना सा याद रखें, कोई दिक्कत है? तो इतने और इनके बेस पर आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना याद होना चाहिए। मूल बिंदु से दूरी, किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, अंत विभाजन, मूल बिंदु की x अक्ष से दूरी y होगी। जैसे कि मैंने बोल दिया आपके पास चार और तीन है, और इसका बोला इसकी x अक्ष से दूरी, तो x से यहाँ होता है, तो आपको आंसर y वाला बताना, तीन आपका आंसर होगा, तीन इकाई। अगर मैंने बोल दिया जाए कि y अक्ष से दूरी, तो y यहाँ होता है आपका, ऐसे होता है ना x और y यहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा x वाला, तो x से क्या आपका चार वाला आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार, और एक होता है त्रिभुज के केंद्र के ज्ञात करने का सूत्र। तो त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशंस होती है आपकी 7 यूनिट की, ठीक है। तो यहाँ अपनों के अगर ये टॉपिक आप कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो आपकी 7 यूनिट के ऑब्जेक्टिव आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 8 यूनिट के वीडियो में, अलग से बनाऊंगा, क्योंकि 8 यूनिट से आपके 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाएगी दोस्तों। 8 यूनिट से आपकी 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाएगी, और मैं आपको कम से कम 7 से 8 सही जोड़ी अवेलेबल करवाऊंगा। अगर उन सही जोड़ी को प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो एज इट इज आएगा, बट उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। 8 यूनिट के साथ 9 यूनिट भी मैं बना दूंगा। अब बचते हैं आपके 10 यूनिट से हाल। अब 10 यूनिट में आपको इसी वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, आइए देखते अपन 10 यूनिट के ऑब्जेक्टिव। तो अपन शुरुआत करते हैं यूनिट, देखिए मैंने 7 के पढ़ा दिया आपको, 8 और 9 यूनिट का जो है वो दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा आपको 8 और 9 यूनिट दोनों उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 10 यूनिट, ठीक है। 11 यूनिट से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11 यूनिट से कंस्ट्रक्शन आपका 5 नंबर का एक इक्वेशन आता है, वहां से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। अब 10 यूनिट में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो वह रेखा जो किसी वृत्त को, जैसे ये वृत्त बनाया मैंने और इस वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं करती है, तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहा जाता है, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है, उसे वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। दूसरा पूछा जाता है आपसे प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या इसका एक और नाम होता है छेदक रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो वह रेखा जो वृत्त, ये वृत्त है, इस प्रकार से आप कहीं एक लाइन खींच दीजिए, तो कितने पॉइंट पर काटा इस लाइन ने, एक तो यहां और एक यहां, तो वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है या छेदक रेखा कहा जाता है। थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज यहां से पूछेगा कि अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो कितने बिंदुओं पर, किसी भी बिंदु पर नहीं, तो 0 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगला, प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदु नोट किया आपने, दो, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है आपका स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा वह रेखा जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहा जाता है।
अब पूछा जाता है उस रेखा को क्या कहते हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा या प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श रेखा, सिर पर स्पर्श करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा, और किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करने वाली रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये थ्योरी भी क्लियर करें आप और कंप्लीट करके जाए पॉइंट को। अगला आता है स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, 2019 में पूछा भी गया था ये वाला, स्पर्श बिंदु क्या होता है, तो किसी वृत्त और स्पर्श रेखा, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब दोनों के साथ कार्य करता है ये पॉइंट, वृत्त के लिए भी कार्य करता है और स्पर्श रेखा के लिए भी कार्य करता है, तो किसी वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ठीक है, चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये कोई भी वृत्त हुआ इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप, यहां भी खींच सकते हैं, यहां भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं। तो जब किसी वृत्त पर बात आती है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब आता है इसी में कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है कि किसी वृत्त के बिंदु पर, अब देखिए यहां वृत्त पर था, यहां था बिंदु पर, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर बात आती है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो बिंदु की बात आती है तो सिर्फ एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर ये कंटेन आपके 10 यूनिट से कवर है तो आपका 10 यूनिट का ऑब्जेक्टिव 100% कवर हो जाएगा, इससे बाहर 10 यूनिट के ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, 10 यूनिट के साथ मैंने बताया आपको 11 यूनिट के ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, क्योंकि 11 यूनिट से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। आगे बात करते अपन 12 यूनिट की, तो 12 यूनिट और 13 यूनिट और 15 यूनिट से सारे फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए आपके, फॉर्मूले बेस्ड ऑब्जेक्टिव वहां से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तो वहां से ऑब्जेक्टिव आपके बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप वहां से 12 यूनिट, 13 यूनिट और 14 यूनिट, फिर भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, फिर भी नहीं हो पाया तो आप इतनी चीजें कवर कर लें, ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर कर लें, माध्यक माध्यिका वगैरह वगैरह मैं आपको फिर भी बता दूंगा, एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, अब बचा क्या आपका, 11 नहीं करना है, 12, 13, 14 से आपको फॉर्मूले क्लियर करना है, अब बचता है आपका यूनिट लास्ट आपका 15 यूनिट। अब यहां से कितनी कंडीशन पता होना चाहिए, देखिए पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन कि किसी भी प्रायिकता का मान क्या होता है, तो किसी भी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, पहली कंडीशन तो ये पता। सेकंड कंडीशन बनती है आपका असंभव या अनिश्चित, असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता आपकी 0 होती है। थर्ड कंडीशन बनती है संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको कोई वैल्यू दे दिया जाएगा, वो आपको क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बेस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। एक कंडीशन, कोई भी चीज 100% से ज्यादा नहीं होती है, कि क्या किसी घटना की प्रायिकता 120% हो सकती है, तो नहीं होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता 100% हो सकती है, 100 से कम कितना भी हो सकता है, 99% हो सकता है, 98% हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो घबराना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब आपसे एक पूछा जाता है क्या किसी घटना की प्रायिकता 3/4, तो मैं आपको यहाँ कंडीशन बता देता हूँ, जब भी इस प्रकार फ्रैक्शन में पूछा जाए अगर नीचे की संख्या बड़ी है तो वो सत्य है, अगर नीचे की संख्या छोटी है, जैसे कि मैं बोल दूं 4/3 है तो ये प्रायिकता का मान नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान मैंने बताया है 0 से 1 के बीच होता है, और जब मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 3 × 1 = 3 और आपका बच जाएगा, मतलब 1 से बड़ी संख्या आ जाएगी, तो किसी भी घटना की प्रायिकता में नीचे की संख्या आपकी बड़ी नहीं होना चाहिए, अगर नीचे की संख्या बड़ी है तो वहाँ आपका असत्य कंडीशन लागू होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने आपको यूनिट फर्स्ट से लगाकर 5 यूनिट तक पहले बता दिया था, 6, 7 और 10, इसके साथ 15 यूनिट ये मैंने आपको पढ़ा दिया, 11 यूनिट आपको नहीं पढ़ना है, बचा हुआ यूनिट है आपका 8, 9 और 12, 13 और 14, तो इनके ऑब्जेक्टिव भी जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।